कंसेप्ट है अंग्रेजी में जो मैंने पढ़ा था, उस कंसेप्ट को बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ हिस्ट्री। ये अगर अंग्रेज की तरफ जाएंगे तो अंग्रेजों ने हिस्ट्री को इंटरपोलेट करने का मतलब उसको मैनिपुलेट करने के लिए ओरिएंटल कॉलेज ऑफ स्कूल खोला, जो कलकत्ता में भी आया और लंदन में भी बना, एशियन स्टडीज को प्रमोट किया। उससे पहले उन लोगों ने एक कंसेप्ट क्वाइन किया जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक कंसेप्ट को प्रोपोगेट करके पॉपुलर किया कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है बहुत सीरियस रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच होता है, एंड जो कुछ भी वो कहेंगे या बोलेंगे वो सब कुछ तथ्य पे बेस्ड हो। और उस मिथ को क्रिएट करके इन लोगों ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों को डिप्लॉय करते हुए, जो न्यू रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स थे या वहां के जो जो रिसर्चर्स थे, उनको भारत भेजा। और भारत में वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए यूरोसेंट्रिक माइंड से, मतलब यूरोपियन जो थॉट प्रोसेस है उसको लेके, कॉलोनाइजर का थॉट के। और उस समय की जो संस्कृति थी या जो हमारी धरोहर थी, इंक्लूडिंग मनुस्मृति, शकुंतला या लिटरेचर है, या जो भारत के अंदर जो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था, भारत की गांव की व्यवस्था, वहां का न्याय प्रणाली, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का सिस्टम, इन सब को उन लोगों ने आके ऑब्जर्व किया अपने तरीके से। एंड उस ऑब्जर्वेशन करने के प्रोसेस में उन लोगों ने अपने तरीके से ऑब्जर्व करते हुए हिस्ट्री को, भारतीय कल्चर को, कल्चरल हेरिटेज को इस तरीके से प्रेजेंट किया यूरोप में कि ये हम जो भारत जो है, देश जो है, भारतीय लोग जो हैं वो आयरन एज में जी रहे हैं, बार्बरिक हैं, उनके पास मशीन नहीं है, उनके पास रेलवे नहीं है, उनके पास म्युनिसिपल सिस्टम नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इंक्लूडिंग उनकी भाषा एक नहीं है। और इस तरीके से जो एक सिस्टमैटिक तरीके से वो वापिस इन बातों को अपने तरीके से लेके गए, वो चीज लेके गए जो वो करना चाहते थे भारत, और फिर वहां से पॉलिसी डेवलप एंड वहां से ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ, और भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको एक एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी बना के पूरे वर्ल्ड को प्रेजेंट किया गया, और पूरे भारत की जनता को धीरे 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 उसके इकोनॉमी को, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ के पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, और अंग्रेजी इम्पोज करके कुछ नए अंग्रेज लोगों को तैयार कर दिया, जैसा कि गुप्ता जी बार बार बोलते हैं काले अंग्रेज। और वो लोग जो है ज्यादा लॉयल्टी दिखाने लगे अंग्रेजियत के प्रति, नए सिस्टम के प्रति, और उसके प्रति प्रेम जो है बढ़ता चला गया भारत में। और यही इंटरपोलेशन आज तक चलता आ रहा है, जो नैरेटिव्स जो हमारे पास प्रेजेंट किए गए सिस्टमैटिक तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, माइंड को धीरे 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 पोल्यूट करके उसके अंदर घुसाया गया है। अब इमेजिन कीजिए जब हम अपने कल्चर की बात ओपनली करने लग और लोगों के बीच में ले जाके रखते हैं तो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस हो। लेकिन तो ये जब तक कहानी बनती रहेगी सिस्टमैटिक तरीके से, और हम ही नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम ही उसको ऑब्जेक्ट करने लगते हैं, हमारे भाई बंधु ही उसको शक के नजर से देखने लगते हैं, बोलते हैं कि आप एरोगेंट हो गए हो, एग्रेसिव हो गए हो, यू नो बहुत तरीके के विश्लेषण ऐड होने लगते। तो इस तरह का सोच अगर हम कॉमन मासेस के बीच में रखेंगे तो हम अपनी कुंठा, जिसको हम बोलते हैं, उससे कभी बाहर ही नहीं हो पाएंगे।